हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जुन्नू की रसोई में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पालक की दाल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, साथ में हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी अरहर की दाल, जिसे मैं अच्छे से धुलकर साफ़ कर लूँगी। अब हम इसको डालेंगे कुकर में। मैंने दाल कुकर में डाल दिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर और 2 छोटे गिलास पानी। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे कटी हुई पालक, इसे मैंने अच्छे से धुलकर साफ कर लिया था। तो बहुत ही जल्दी पालक की दाल बन जाती है। अब हम इसको ढककर गैस पर चढ़ा देंगे। अब दाल हमारी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, एकदम अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें 1 छोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अब प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, जिसे मैंने कूट लिया था, आप पीस कर भी डाल सकते हो। 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने ऐसे खड़ी खड़ी काट लिया था, इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि ये भी भून जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर, इसको भी अच्छे से हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। धीमी आंच पर एकदम अच्छे से बढ़िया पकाएंगे। तो टमाटर अब हमारे थोड़ा सॉफ्ट होने लगे हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 हल्दी पाउडर, क्योंकि मैंने पहले भी डाला था हल्दी पाउडर, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है पक जाए अच्छे से। तो मसाले हमारे पक चुके थे अच्छे से, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है दाल। अब इसको हम और टेस्टी बनाने के लिए इसमें लगाएंगे घी का तड़का। तो मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा,
इसको थोड़ा चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, दो खड़े मिर्च लाल, अब हमारा तड़का तैयार हो चुका है तो इसको हम दाल में ऐड कर देंगे। तो अब हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।